शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब जिला प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है। डीसी ऊना ने एक आदेश जारी करते हुए जिले के सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में बच्चों के साथ गाड़ियों में डीजल भराने पर रोक लगा दी है और इन आदेशों की पालना न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस फैसले को लेकर लोग काफी खुश हैं। जिला ऊना के सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में स्कूली बच्चों के साथ गाड़ियों को पेट्रोल पंप ले जाने पर पाबंदी लगा दी है, जिसको लेकर उपायुक्त राकेश प्रजापति ने आदेश जारी किया है। अक्सर ऐसा देखने को आया है कि स्कूल बसों के ड्राइवर बच्चों को बस में बिठाने के बाद डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर बसें खड़ी करते हैं, जो कि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। डीसी ने सभी निजी व सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं कि जिले में इस समय छोटे और बड़े 96 निजी स्कूल हैं और कई बड़े प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, जो कि बच्चों को लाने और छोड़ने के लिए निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल प्रधानाचार्य इन आदेशों की पालना करें। ऐसा न करने की स्थिति में स्कूल बस के चालक परिचालक के साथ साथ प्रधानाचार्य के विरुद्ध भी कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरे ध्यान में ऐसा लाया गया था कि स्कूलों के जो बसेज हैं उनमें बच्चों को बैठाने के बाद उनमें डीजल भरने के लिए पेट्रोल पंप्स पर रोका जा रहा है, जो किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। और इसीलिए एक आदेश मेरे कार्यालय से निकाला गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके स्कूल बसेज चल रही हैं, वो बच्चों को बैठाने से पहले डीजल भरवाएँ और बैठाने के बाद उनको गाड़ी में डीजल न डलवाएँ। और ख़ास करके जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनको भी ये निर्देश दिया गया है, उनके खिलाफ फिर जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है की जाएगी। वहीं डीसी के इन आदेशों का लोग भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लोगों की माने तो कई बार पेट्रोल पंप पर भी गाड़ी में तेल भरवाते समय हादसा होते रहते हैं, इसलिए बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये जो फैसला लिया गया है ये बिल्कुल ही सही फैसला है। सर, ये जिला महोदय का बहुत अच्छा फैसला है। सर, अक्सर वैसे देखा जाता है पेट्रोल पंपों में काफ़ी भीड़ होती है और बच्चों को गाड़ी में बिठाकर पेट्रोल भराना या डीजल भराना बहुत गलत है, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के हेतु जो जिला महोदय ने कदम उठाए ने बहुत ही सराहनीय है, हम उसकी स्वागत करते हैं। फैसले जिला प्रशासन ने ये जो कदम उठाया है कि कोई भी स्कूल की बसें बच्चों को बस में बिठा के पेट्रोल डीजल नहीं भरवाएंगी, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। ऐसे जो ये कदम उठाया है इसकी वजह से बड़े बड़े हादसे होने से बच जाएंगे और किसी भी तरह का कोई बच्चों को नुकसान नहीं होगा।